तो यहाँ देखो अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ द क्वाड्रेंट सिस्टम। तो क्वाड्रेंट सिस्टम में बेसिकली क्या आ रहा है, इसमें हम अपने क्वाड्रेंट्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे डेफिनेशन ऑफ अ क्वाड्रेंट। इन दिस देयर विल बी योर वर्टिकल प्लेन एंड देयर विल बी योर हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो हमने ड्रॉ किया है, इसमें ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट्स के अंदर हमें क्या करना है, रोटेशनल मेथड यूज करना है और ये हमारा रेफरेंस लाइन है, दिस इज योर रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब क्वाड्रेंट सिस्टम में हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका कितना डिस्टेंस जो है वो वर्टिकल प्लेन से है और कितना डिस्टेंस जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन से। सिमिलरली ये वाला पॉइंट जो है ये कितना डिस्टेंस वर्टिकल प्लेन से है, कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल प्लेन से है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट आपका कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल प्लेन से, कितना डिस्टेंस आपका वर्टिकल प्लेन से। सिमिलरली ये वाला पॉइंट जो होगा ये वाला कितना डिस्टेंस जो है आपका वर्टिकल प्लेन से और कितना डिस्टेंस आपका ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो यहाँ जो डायमेंशन है ये वाला पॉइंट ए हो गया, इसको हमने पॉइंट बी रिप्रेजेंट कर दिया, इसको सी रिप्रेजेंट कर दिया और इसको डी रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसके जितने भी प्रोजेक्शंस पड़ेंगे तो यहाँ पे ये वीपी हो गया, ये आपका एचपी डेजिग्नेशन हो गया। अब जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इसका फ्रंट व्यू यहाँ से देखेगा, फ्रंट व्यू व्यू, और ये आपका यहाँ से रहेगा टॉप व्यू, टॉप व्यू, ठीक है। सिमिलरली बी पॉइंट का जो ऑब्जर्वर रहेगा, ऑब्जर्वर ये आपका फ्रंट व्यू रहेगा और सिमिलरली ये आपका टॉप व्यू रहेगा, टॉप व्यू। तो जो व्यूज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे डेजिग्नेट कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। सिमिलरली इसका ऑब्जर्वर जो थर्ड पॉइंट है, इसका जो आपका फ्रंट व्यू यहाँ रहेगा और इसका सिमिलरली टॉप व्यू जो बनेगा, टॉप व्यू सिमिलरली इस वाले, अब मैं अगर आपको ये पॉइंट करके दूँ तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका बेसिकली टॉप व्यू जा रहा है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये बेसिकली ये जो लाइन यहाँ पे मैं इमेजिनरी आपको दिखा रहा हूँ, ये इमेजिनरी लाइन ही इसको रिप्रेजेंट करे। इसका फ्रंट व्यू यहाँ हो गया, इस पॉइंट का फ्रंट व्यू यहाँ हो गया, इस पॉइंट का टॉप व्यू यहाँ हो गया, इस सिमिलरली डी पॉइंट का फ्रंट व्यू इधर बनेगा और इसका टॉप व्यू इधर बनेगा जिसको हम रोटेट करेंगे। तो इसके बाद ये होता है रोटेशनल मेथड। रोटेशनल मेथड में आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट प्लेन को आप फिक्स कर दोगे, सिमिलरली एच पी को आप रोटेट कर दोगे, कॉरस्पॉन्डिंगली यू विल रोटेट इट थ्रू 90 डिग्री। सो दिस मेथड इज नोन एज योर क्लॉकवाइज रोटेशनल मेथड। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ क्लॉकवाइज रोटेशनल, रोटेशनल मेथड, रोटेशनल मेथड। अब ये मेथड से बेसिकली जो आपका डी पॉइंट है, डी पॉइंट का जो फ्रंट व्यू बनेगा वो इस पॉइंट पे यहाँ बन रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे डी डैश के साथ। सिमिलरली टॉप व्यू यहाँ बनेगा, इसको हम रोटेट करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो रेफरेंस लाइन से हमेशा नीचे बनेगा। तो हमारे को एक चीज का ध्यान रखना है कि फ्रंट व्यू, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऊपर बन रहा है वीपी, नीचे बन रहा है एचपी। दूसरे कलर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो दिस इज योर फर्स्ट एंगल एंड सिमिलरली ये आपका जो रेड वाला है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बेसिकली आपका वीपी एज इट इज रहेगा, एचपी रोटेट हो जाएगा तो वीपी ऊपर रहेगा और आपका एचपी भी ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये रेफरेंस लाइन आ गया, रेफरेंस लाइन एक्स एक्स, सिमिलरली एक्स एक्स इज द रेफरेंस लाइन। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपोजिट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका वीपी नीचे रहेगा और आपका एचपी ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में बोथ आपके रेफरेंस लाइन से नीचे ही रहेंगे आपके एचपी और वीपी। वीपी ऑलरेडी नीचे था तो एचपी को रोटेट कर देंगे, एचपी भी नीचे आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली हाउ द क्वाड्रेंट सिस्टम, फोर्थ क्वाड्रेंट, हाउ द क्वाड्रेंट सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट्स। सो ये आपका यहाँ पे टॉपिक में लिख देता हूँ, दिस टॉपिक इज योर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, टॉपिक इज projection of point. So this is very very important topic and we should first of all understand the basic geometry
रिजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। क्लियर, इस चीज की आपको क्लैरिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये आपको नेक्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स बताऊंगा, सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स बताऊंगा, उसके बाद वेरियस डिफरेंट टाइप्स प्लेन्स की कैसी ज्योमेट्री वर्क करती है और कैसे इसके अंदर एड ऑन होते हैं नेक्स्ट हमारे कंटेंट्स।